हेलो फ्रेंड्स, शोभना की ज़िंदगी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो वैसे मैं तैयार हूँ, तो आपको लग ही रहा होगा कि मैं कहीं जाने वाली हूँ। बिल्कुल सही। तो मैं जा रही हूँ आज थोड़ा बच्चों को घुमाने के लिए। शाम का 4 बजा है, तो देखती हूँ कहाँ लेके जाते हैं आज मेरे हस्बैंड। और ये घुमाने का आज जो है, तो वो काफ़ी दिन से प्रॉमिस किया था हनी को उसके बर्थडे पे घुमाने के लिए, लेकिन उस दिन मैं नहीं जा पाई। थोड़ी तबीयत भी नहीं सही थी और दिन में ही इतना काम हो गया, शाम को फिर केक भी कट करना था, तो इतना टाइम नहीं मिला। मैंने उससे बोला कि मैं किसी दिन घुमाऊँगी, तो आज इतने दिन हो गए। वो एक एक दिन गिनता है और बोला, मम्मा आज तो इतनी डेट हो गई है और इतने दिन हो गए आप मुझे घुमाने के लिए नहीं ले चल रही हैं। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, जिस दिन टाइम निकलेगा मैं ज़रूर चलूँगी। तो आज टाइम मिला थोड़ा, तो मैंने कहा चलो आज मैं घुमाती हूँ। तो वही मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ, और कहाँ जा रही हूँ अभी मुझे भी नहीं पता है, ये जाने पर ही मुझे पता चलेगा। तो देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं आज मेरे हस्बैंड। चल हो गई है रेडी। देखे सेजल, जरा भाई इधर भी दिखा दो, तैयार? और हनी ना है बीच में, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कौन ज्यादा स्मार्ट लग रहा है वैसे? हनी। ऐसा? हनी आज बहुत खुश है क्योंकि उसकी उसका जो प्रॉमिस है आज मैंने किया था, तो वो पूरा हो रहा है। तो हनी चले? हाँ। तो फटाफट चलते हैं। और सेजल रेडी? हाँ। तो हम लोग आ गए नेहरू वाटिका पार्क, जो काफ़ी अच्छा है। और लगभग 1.5 साल हो गया है हम लोगों को यहाँ आए हुए, क्योंकि कभी टाइम ही नहीं मिला और उधर भी कोरोना की वजह से आना ही नहीं हो पाया। तो हनी काफ़ी खुश है क्योंकि वो इस पार्क में ज़्यादा खुश रहता है। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे ही चलते हैं और तुम लोग आराम से यहाँ पे रहना, और ये चले जाएंगे अपने काम से। तो मैं बच्चों को तब तक टहलाऊंगी अंदर, बच्चे भी आराम से खेलेंगे। और यहाँ पे टिकट के बारे में कुछ बात हो रही, क्योंकि इन्हें जाना है, तो वही उसी बारे में ये कुछ बात कर रहे हैं कि मुझे वापस भी आना है। तो स्टैंड पे कुछ स्कूटी की बात हो रही है खड़ी करने की। तो अब जो है, तो हम लोग बस अंदर जाने वाले हैं थोड़ी देर में, और उससे पहले जो है तो हस्बैंड जाने वाले हैं, तो उनको भेज दूँ। तो ये खड़ी है स्कूटी, और काफ़ी मतलब सन्नाटा है, वैसे ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही है। अब अंदर जाने पे पता चलेगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं अंदर, लेकिन उससे पहले मैं इन्हें भेज रही हूँ और इनसे पूछ रही हूँ कि आप कितनी देर में आएंगे। तो लगभग 1 घंटा लगेगा इन्हें आने में, तो 1 घंटे के लिए मैं बच्चों को घुमा दूँगी अंदर। और 1 घंटा काफ़ी है बच्चों के घूमने के लिए, ज़्यादा देर बच्चे वैसे भी नहीं खेलेंगे, बोर हो जाएंगे। और पार्क जो है काफ़ी खाली लग रहा है, सन्नाटा सा लग रहा है, कोई यहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ हम ही लोग दिख रहे हैं। तो अंदर जा रहे हैं, देखते हैं कोई है भी अंदर कि नहीं है, सिर्फ हम ही लोग आ गए। मगर ये है कि काफ़ी दिनों के बाद आए हैं, तो काफ़ी हरियाली देखने को मिल रही है और अच्छा भी लग रहा है। तो देखते हैं अंदर कैसा लगता है। और हम लोग आ गए हैं फील्ड में, ये काफ़ी बड़ी फील्ड है, यहाँ पे खेलने में बच्चों को मज़ा आएगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं झूले की तरफ, क्योंकि पहली डिमांड हनी की झूले के लिए है। और झूले के पास हनी पहुँच गया है, और मुझे पता है ज़्यादा देर वो झूला झूलेगा नहीं, बस उसका मन रहता है हर चीज़ के लिए। देखिए बस बैठा है और इस झूले पर आ गया है। बहुत डर लग रहा है। तो हस्बैंड मेरे अभी छोड़ के हम लोग को चले गए हैं यहाँ पे पार्क में, और बच्चे कर रहे हैं मस्ती और मैं यहाँ पे थोड़ा टहल रही हूँ। तो वो अपना काम जैसे ही मार्केट में ख़त्म हो जाएगा तुरंत आ जाएंगे लेने के लिए, तो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था। तो हम लोग जो हैं यहाँ पे, तब तक मैं बच्चों को यहाँ घुमा रही हूँ और बच्चों को भी अच्छा लग रहा है। तो हनी अब जा रहा है स्लाइड करने के लिए और ऊपर चढ़ रहा है, मगर उसे डर बहुत लग रहा है। पहले सारी स्लाइड कर लेता था, लेकिन अब उसे इतना डर लगता है क्योंकि इतना टाइम हो गया है, तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो जाए। तो वो देखे फिर से पीछे आ रहा है, बोला दीदी मैं नहीं जा पाऊँगा, सेजल से बोल रहा है।
तो थोड़ा सा स्लाइड का मुझे लग रहा है बीच में टूटा हुआ है, तो मैंने बोला कि नहीं बच्चों नीचे आ जाओ, चोट लगने का डर है। तो वो बोल रहा है कि मैं कैसे उतरूँगा, आज बहुत बुरी तरह से फंसा है, और बोला है सेजल से कि मैं कैसे उतरूँगा। तो हनी और सेजल आज कर रहे हैं फुल मस्ती, और एक दूसरे को पकड़ा जा रहा है दौड़ दौड़ के, तो उनको काफ़ी मज़ा भी आ रहा है, लग रहा है जैसे आज आज़ाद हो गए हैं। और हनी देखिए रेस हो रही है दोनों की, तो हनी नीचे से आ गया है चीटिंग करके, और सेजल पीछे रह गई है, उससे बोल रहा है कि देखो मैं तुमसे पहले आ गया। यहाँ पे ये दो पप्पी हैं जिनकी आपस में लड़ाई हो रही है, मैं हनी से बोल रही हूँ हनी देखो ऐसे लड़ाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। लड़ाई क्या, वो लोग खेल रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है, हनी भी आ गया है देखने के लिए। तो मैं हनी से बोल रही हूँ कि सीख लो कि कैसे खेलते हैं, मास्क के पीछे लड़ाई हो रही है दोनों पप्पी में, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, कौन जीतेगा ये अभी पता नहीं है, थोड़ी देर में वो भी पता चल जाएगा। वैसे ब्राउन वाला जो पपी है वो काफ़ी तेज है और पूरा जोर लगाए हुए हैं दोनों लोग। तो ये देखिए ग्रीन ग्रीन घास जो काफ़ी अच्छी है, और चलने में इतनी अच्छी लग रही है कि पूछिए मत। और होता है ना अगर नंगे पैर चलें घास पे तो उसका तो मज़ा ही अलग है, और मैंने स्लीपर उतार दी हैं, मैं चल रही हूँ नंगे पैर थोड़ी देर, मुझे बहुत अच्छा लगता है घास पे चलने में। और बच्चों की तो अपनी मस्ती चल रही है, बस भागना दौड़ना। तो सेजल और हनी को आज खूब मज़ा आ रहा है, और आना भी चाहिए, काफ़ी टाइम के बाद पार्क आना हुआ तो मज़ा आना भी बनता है। हनी कैसा लगा आज यहाँ? बहुत बेकार, क्योंकि यहाँ पे झूला ही नहीं मिला। अच्छा तो अभी झूला झूल कौन रहा था इतने और डर सारे कौन रहा झूले था? हैं, वो वाले झूले पे मुझे चलना है। तो पहले वाला बेकार था तो हनी को वो झूला नहीं पसंद वाला आया, तो अब देखते हैं कहाँ ले जाने के लिए बोल रहा है। चलो सेजल देखते हैं। तो पीछे से छोटा सा पपी आ गया है और सेजल उसको पकड़ रही है, लेकिन नहीं डरती है, पकड़ेगी नहीं। और हनी बता रहा है कि दीदी वहाँ पे चलना है, उसकी तो डिमांड कभी नहीं ख़त्म होती है, चाहे जितनी भी डिमांड पूरी करें तो वो कम ही है। सेजल गई है थक और आके बैठ गई है। तो हनी आ गया है दूसरी स्लाइड पे, और पता नहीं इस पे ये कर भी पाएगा कि नहीं, मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि इस बार वो डर रहा है, जब तक डर नहीं निकलेगा बच्चे में तब तक वो नहीं करेगा। तो जा तो बड़े शौक में रहा है ऊपर चढ़ता हुआ, और अभी पता चलेगा आगे क्या होता है। और ये छोटी सी बच्ची जो आ गई है पीछे से, तो हनी तो अब बस बैठ गए हैं कि मम्मा अब मैं कैसे जाऊं नीचे। और फंस भी गया है बीच में, पीछे से वो छोटी सी लड़की है जो पीछे से आई है, और आगे कैसे जाना है उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। सेजल बोल भी रही है कि आ जाओ कुछ नहीं होगा, मगर होता है ना बच्चों को इतना टाइम हो जाता है, पहले ये सारी जितनी भी स्लाइड थी आराम से सब पे अच्छे से अकेले ही कर लेता था, छोटा भी था जबकि, अब तो बड़ा हो गया, मगर वो कहते हैं ना कि काफ़ी टाइम हो जाता है तो थोड़ा सा डर रहा है। सही, हल्का सा इसको आगे करो, आ जाओ बस, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, आ जाओ। मम्मी पकड़ लेगी, मम्मा पकड़। तो अब जाके हनी ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और स्लाइड कर ली, और मैं उसे बोल रही पैर सीधे करने को, पर वो इतना डर रहा है पहली बार। हम लोग पार्क से बाहर आ गए हैं और यहाँ पे खड़े हैं, हर फ्रेंड का वेट कर रहे हैं, और इनको लग रहा है टाइम अंदर जो है तो काफ़ी शाम हो गई है, सूरज ढल गया है, तो मच्छर काफ़ी लग रहे थे, तो इस वजह से बाहर आके खड़े हो गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सही लग रहा है। तो आपको कितनी देर में आते हैं? अभी तो कॉल किया था तो बोल रहे हैं टाइम लगेगा थोड़ा, तो यहाँ पे खड़े होके बस वेट करने के अलावा और कोई काम नहीं है। तो हनी थोड़ा बोर हो रहा है यहाँ पे, बस आते हैं तो फिर निकलते हैं यहाँ से। कैसी है? मुझे भी चाहिए। गर्म है बेटा, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर खाना। ठंडा हो गया। तब तक दीदी हेल्प कर रही है ना खाने में, दूसरी भी साथ में खाएगी। तो खा जाती।
तो बस अभी हम लोग सब लोग घर पे आ गए हैं और काफ़ी अच्छा लगा आज बच्चों को, मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि बच्चे जो हैं तो घर में बोर हो जाते हैं और कहीं उनको घूमने को भी नहीं मिलता है, इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है कि उनको इतना टहला पाएँ। तो उनको इतना अच्छा लग रहा है, काफ़ी खुश हैं, तो उनको खुश देखकर अपने को भी अच्छा लगता है कि चलो आज बच्चों को थोड़ा सा टहला दिया तो उनका भी माइंड फ्रेश हुआ, मेरा भी फ्रेश हुआ। हालांकि मैं थोड़ा सा बोर हो गई क्योंकि मैं अकेले पड़ गई वहाँ पार्क में, ये लोग तो अपना मस्ती करते रहे, अगर हस्बैंड भी साथ में होते तो और ज़्यादा अच्छा लगता। पर कोई बात नहीं, बच्चे खुश रहें, इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती। तो कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।